फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूँ संजय। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपने इस डेवलपमेंट जर्नी में, जहाँ हम बात करेंगे हाउ टू लोड मल्टीपल व्यू फाइल्स। बिल्कुल, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा व्यू फाइल्स हैं तो किस तरीके से हम उनको कनेक्ट करें और एक सिंगल पेज लेआउट में डिस्प्ले करें, इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। यहाँ फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम क्यों मल्टीपल व्यू फाइल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक HTML मार्कअप है जहाँ हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक HTML एलिमेंट, उसके अंदर है हमारे पास हेड टैग, के अंदर हमारे पास एक टाइटल टैग, नेक्स्ट हमारे पास बॉडी, और बॉडी के अंदर हमारे पास है हेडर, सेक्शन एंड फुटर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अगर इस वेब पेज को डिस्प्ले करना है यूजिंग सिंगल लेआउट तो किस तरीके से हम करते हैं। तो सिंपल, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे ऐप व्यूज, और इस फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं फाइल कॉल home.php। उस पूरे कोड को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम जाएंगे कंट्रोलर्स फोल्डर, ओपन कर लेंगे कोई भी कंट्रोलर। सो मैं ओपन करने वाला हूँ site.php, और यहाँ पर इस कंट्रोलर के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं अपना एक मेथड, सो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और इसके अंदर हम इस लेआउट को कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए मैं यूज़ करूँगा व्यू हेल्पर फंक्शन एंड होम। सेव करने के बाद अब हम क्रिएट करने वाले हैं एक एप्लीकेशन राउट, तो हम चाहें कॉन्फिग फोल्डर ओपन कर लेते हैं routes.php, और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ routes ऑब्जेक्ट के साथ get method, और हम कॉल करेंगे होम। और अगर हमने ये ओपन किया तो हमारे पास कॉल होगा साइट कंट्रोलर एंड इंडेक्स मैथड। सो सब कुछ सेव करने के बाद अगर हम चलें प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो यहाँ पर इस लैंडिंग पेज के बाद अगर हम टाइप करें होम तो हम देख पाएंगे हेडर इन्फॉर्मेशन, वेब पेज मेन कंटेंट एंड फुटर इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर वो सारे कंटेंट्स विजिबल हैं जो यहाँ पर हमने इस home.php में पास किया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके सोर्स कोड पे जाऊँ, सो राइट क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स, तो हम देख सकते हैं प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास सिंपल डिज़ाइन है जहाँ पर हमारे पास एक सिंगल मैसेज है, बट अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड वेब पेज हो जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हो, इस हेड टैग के अंदर, इस हेडर के अंदर, सेक्शन के अंदर एंड फुटर के अंदर, तो हम उसे एक सिंगल लेआउट में मैनेज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं मल्टीपल व्यू फाइल्स। तो मान लेते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड वेब पेज है, तो हम इसे डिवाइड करने वाले हैं अपने डिफरेंट व्यू फाइल्स में। तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन को मैं कट करके पेस्ट करने वाला हूँ header.php। तो सिंपल, हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसे व्यूज फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक पार्शियल फोल्डर या एक सब फोल्डर, दैट इज साइट, या अगर हम इसे रिनेम कर लें इंक्लूड। इस इंक्लूड फोल्डर में हम क्रिएट करने वाले हैं अपना फर्स्ट फाइल, दैट इज header.php। इस फाइल के अंदर हमने उन सारे कंटेंट्स को पेस्ट किया जो इसके हेडर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहे थे। नेक्स्ट हम जाएंगे फुटर, और इन सारे टैग्स को, कंटेंट को कट कर लेते हैं। एक न्यू फाइल हम क्रिएट करने वाले हैं इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर कॉल्ड photo.php। हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास 3 डिफरेंट फाइल्स हैं, जैसे कि home.php जिसके अंदर है पेज का मेन कंटेंट, photo.php जिसके अंदर फुटर इन्फॉर्मेशन, एंड header.php जिसके अंदर है हेडर इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैं सब कुछ सेव कर दूं, सेव करने के बाद जो हमारे पास कोड है site.php के अंदर, उसने रेंडर किया है होम व्यू फाइल जो कि फिलहाल एक स्टैटिक मैसेज के साथ है। तो अगर हम रिलोड करें तो हमारे पास एक ही सेक्शन अवेलेबल है बिकॉज ऑफ home.php, और जो हम देख पाएंगे दैट इज वेब पेज मेन कंटेंट। अब हम किस तरीके से अपने मल्टीपल व्यूज फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि header.php एंड footer.php।
तो यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो सिंपल हम जाएंगे साइट डॉट पी एच पी में, जहाँ हमने इंडेक्स मेथड डिफाइन किया है और कॉल किया है अपने होम व्यू को। तो सिंपल अगर मैं रिटर्न की जगह पे मैं टाइप कर दूँ इको, इसका मतलब इस व्यू फाइल को हमने प्रिंट किया है। तो इसी तरीके से सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे कोई चेंज नहीं है वेब पेज मेन कॉन्टेंट। अब क्या करना है, अपने व्यू फाइल्स को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इंक्लूड करना चाहूँ अपने हेडर को, तो हम करने वाले हैं इको व्यू और इसके अंदर पास करेंगे हेडर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँ फुटर, तो इको व्यू और इस हेल्पर फंक्शन के अंदर हम पास करने वाले हैं फुटर। और यहाँ पर जो मिडिल वाला सेक्शन है दैट इज वेब पेज। तो सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हमारे पास एक एरर होगा। वो एरर ये होने वाला है कि ये फाइल जो व्यूज फोल्डर के अंदर हम फाइंड करें वो एक्सिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये जो फाइल्स हमने क्रिएट किए हैं कॉल हेडर एंड फुटर, ये एक्सिस्ट करती हैं इस व्यूज फोल्डर के अंदर, इस इंक्लूड सब फोल्डर के अंदर। तो किस तरीके से हम इंक्लूड कर पाएंगे या इस एरर मैसेज को समझने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें जाना है ENV रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद हम इसे चेंज करेंगे प्रोडक्शन टू डेवलपमेंट। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे इनवैलिड फाइल। तो किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, सिंपल इस साइट डॉट पी एच पी के अंदर ये जो फाइल है इसे हमने स्टोर किया है अपने इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर। तो सिंपल इंक्लूड फोल्डर नेम /header। इसी तरीके से फुटर के केस में इंक्लूड /footer। बट ये जो फाइल है वेब पेज वाला फाइल, ये स्टोर है हमारे इस फ्यूज के रूट पे। सो इट इज़ ओके। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे हेडर इन्फॉर्मेशन, वेब पेज मेन कॉन्टेंट एंड फुटर इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें इसके सोर्स कोड के बारे में तो हम देख पाएंगे यहाँ पर वो सारे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अटैच हो चुके हैं, क्योंकि हमने 3 डिफरेंट व्यू फाइल्स को अब अटैच किया है अपने इस इंडेक्स मैथड के अंदर। वापस से चलते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ आप देख पाओगे हमारे पास इन पेज कंटेंट्स के अलावा काफ़ी सारे टैग्स, काफ़ी सारे और कोड अवेलेबल हैं, और वो इसलिए कि हमने डेवलपमेंट मोड ऑन किया है। सो इस तरीके से अगर हम कर दें प्रोडक्शन, सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हमारे वेब पेज में जितने कंटेंट होंगे सिर्फ वही डिस्प्लेड हैं। तो हम देख पाएंगे हमने हेडर, पेज और फुटर सबको इंक्लूड कर दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को यूज करके आप मल्टीपल व्यू फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हो अपने किसी भी लेआउट को डिस्प्ले करने के लिए। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन के बारे में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद जैसा कि हमने पहले किया था रिटर्न व्यू, सेव करने के बाद रीलोड करें तो हमारे पास एक ही सेक्शन कंटेंट है, दैट इज वेब पेज मेन कंटेंट। अब किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं हेडर एंड फुटर, तो जैसा कि आप जानते हो ये जो व्यू हेल्पर फंक्शन है ये रिटर्न करने वाला है एक कंटेंट। वो कंटेंट किस तरीके से होगा, वो होगा जो हमने यहाँ पास किया है। ये क्या है, बेसिकली ये व्यू फाइल नेम है जो हमने पास किया है। ये बताया है कि आपको इस व्यू फाइल का कंटेंट को लोड करना है। तो सिंपल हम चलते हैं अपने पेज डॉट पी एच पी में, सॉरी होम डॉट पी एच पी में, और यहाँ पर हमें इंक्लूड करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हेडर डॉट पी एच पी। तो हम क्या करने वाले हैं, पी एच पी टैग के अंदर इको व्यू और यहाँ पर करने वाले हैं इंक्लूड फोल्डर के अंदर से हेडर। सो सक्सेसफुली हेडर इंक्लूड हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फुटर के बारे में, सो पी एच पी टैग यहाँ पर करने वाले हैं इको व्यू हेल्पर फंक्शन, हमें चलना है इंक्लूड फोल्डर के अंदर और वहाँ से इंक्लूड करना है फुटर। सो एक बार अगर मैं सेव कर दूँ, सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हेडर इन्फॉर्मेशन एंड फुटर इन्फॉर्मेशन। अगर हम इसके सोर्स कोड को देखें तो हमारे पास वो सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। तो ये दो ऑप्शन है फ्रेंड, जहाँ पर आप एक से ज़्यादा व्यू को इंक्लूड कर पाओगे।
बट ये रिकमेंडेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं लाइक फुटर, हेडर, साइड बार, मेन एरिया. तो किस तरीके से अपने पेजेस के लेआउट्स को डिज़ाइन करते हैं, तो उन डिज़ाइंस को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने इस फ्रेमवर्क में हम इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं. यहाँ पर हमारे पास कुछ पैरेट लेआउट जैसा कॉन्सेप्ट होने वाला है जो हम आने वाली वीडियोज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं. सो आई थिंक किस तरीके से हम एक से ज़्यादा व्यू फाइल को लोड कर सकते हैं इस वीडियो से होपफुली आपको समझ आ गया होगा. यहाँ फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो कि अगर आपने मल्टीपल व्यू फाइल्स अगर आपने यूज़ किया हो अपने किसी मेथड के अंदर और अगर आपको ऐसे रिक्वायरमेंट हो जाए कि मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हो, तो सिंपल जैसा हमने सीखा था अपने पिछले वीडियो में कि पैरामीटर्स किस तरीके से हम सेंड कर सकते हैं फ्रॉम अ कंट्रोलर टू अ व्यू फाइल, हमने दो प्रोसेस को देखा था बाय यूजिंग एसोसिएटिव एरे. यहाँ हम एसोसिएटिव एरे पास कर सकते हैं या यूजिंग पीएचपी कॉम्पैक्ट फंक्शन. तो आप उसी तरीके से जितने भी लेआउट्स को जो आपने ऐड किया है व्यू फाइल्स को लोड करने के लिए, आप उसी तरीके से पैरामीटर्स को सेंड कर सकते हो. सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था. सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.